हेलो गाइस, हाउ आर यू। और आज इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया एक और नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पर उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैंने 4500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है उस पर चलते हैं, जिसका नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। अगेन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ये एक नेमिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप जेई के लिए या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उससे रिलेटेड, और दूसरा उसके बाद मैं आपको इसकी रिएक्शन बताऊंगा, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और तीसरा मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं। नाउ विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रोजनमुंड रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोजनमुंड रिएक्शन में वो आपको ध्यान रखना है, इसका कैटलिस्ट। देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट जो है ये एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन में कैटलिस्ट का जो नाम है वो लिंडलर कैटलिस्ट। यहाँ पर लिंडलर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपने 11th स्टैंडर्ड में एल्केन्स में भी पढ़ा होगा। मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, बट लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है जरा हम लोग उसको समझ लें। यहाँ पर पैलेडियम इजन इट और साथ में BaSO4 इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम लोग पॉइजन पीडी भी कहते हैं, पॉइजन पैलेडियम भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताऊंगा। पॉइजन पीडी का इस्तेमाल किया जाता है, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पॉइजन पीडी लिखा है तो बेसिकली यहाँ पर होने वाला है हाइड्रोजिनेशन, आपको हाइड्रोजिनेशन करवाना है, और पॉइजन पीडी यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है, यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है, फुल हाइड्रोजिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, इजन इट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, रोजनमुंड रिएक्शन में उन्होंने यूज किसको किया वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिएजेंट कौन था, एसिड क्लोराइड को इस्तेमाल किया गया। आप कोई भी एसिड क्लोराइड पे रोजनमुंड रिएक्शन करवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज एसिड क्लोराइड, ऑब्वियसली एसिड का डेरिवेटिव है, इजन इट। तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज एसिड क्लोराइड। नाउ दिस इज एसिड क्लोराइड, नाउ लुक एट इट, नाउ दिस इज एसिड क्लोराइड जिसको यूज किया गया एज अ रिएजेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप खुद ही देखिए, जब आपको पता है कि यहाँ पर एसिड क्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाना है तो आप कौन से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एसिड क्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन से आप पहुंचेंगे एल्डिहाइड की तरफ, आप यहाँ पर एल्डिहाइड बना रहे होंगे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि एट दी एंड आपको क्या मिलने वाला है, CO, Cl की जगह क्या लग जाएगा, H रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन में आपको H एडिशन करवाना होता है, क्लोरीन को हटा के आपको हाइड्रोजन लगाना होता है, सिंपल सा यही काम है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो शॉर्ट एंड स्वीट रिएक्शन के दर्शन करवा देता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिखेगा यहाँ पर रिएजेंट के तौर पे, आपको यहाँ रिएजेंट के तौर पे सबसे पहले दिखने वाला है एसिड क्लोराइड। मैं आपको पहले रिएक्शन बताऊंगा, जरा ध्यान से उसको देखिए। एसिड क्लोराइड निकला, लिया आपने रिएजेंट के तौर पे। अब आपको एरो पर क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए एरो पर आपको दिखेगा पैलेडियम, आप हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, पैलेडियम एक मेटल है जिससे एडसॉर्प्शन फिनोमिना से हाइड्रोजिनेशन होता है, और यहाँ पर फिर इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, BaSO4 का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। ये लिंडलर कैटलिस्ट की वजह से इसका सिर्फ पार्शियल ही हाइड्रोजिनेशन होता है और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। अब ये हुआ कैसे, बहुत सिंपल है, आप हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, नाउ थिंक ऑफ इट, आपको कुछ नहीं करना हाइड्रोजिनेशन के केस में, आपको क्या करना है इस तरह से हाइड्रोजन को पुट कर देना है, यहाँ से आप बॉन्ड को क्लीव कीजिए, तो RCO को क्या मिल गया, ये वाला हाइड्रोजन RCO को मिल गया, और साथ में क्या निकल गया, HCl यहाँ से बाहर निकल गया। सो बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको HCl भी मिलेगा। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं गाइस, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शायद आपको आगे जो केमिकल रिएक्शन को समझने में मदद करेंगे, जरा ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि रिएजेंट के तौर पे आपको एसिड क्लोराइड लेना है, अब जरूरी नहीं है कि वो आपको यह सीधे एसिड क्लोराइड लिखा हुआ मिले, आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिड क्लोराइड को आप बनाओगे किससे। ऑब्वियसली इसको डिराइव आप किससे करोगे, एसिड से करोगे। अब जरा ध्यान से देखिए, सपोज हमारे पास ये एसिड दिया है, इससे हमको एसिड क्लोराइड बनाना है, तो हमारे पास तरीके क्या है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका इस एसिड से एसिड क्लोराइड पर जाने का है SOCl2, isn't it? ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप PCl3 इस्तेमाल कर सकते हैं,
इजन इट, या आप PCl5 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं एसिड क्लोराइड बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये स्लैश लगा देता हूँ, आप इनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे कन्वर्जन के थ्रू आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, RCOCl मिलेगा। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये RCOCl बनने के बाद आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ पैलेडियम लिखा, पीडी और कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है, इसका क्या मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से इसको देखिए। एक्चुअल में होता क्या है, पैलेडियम एक मेटल है, उसमें छोटे छोटे पोरस होते हैं, इजंट इट, और ये पोरस में क्या होता है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाता है, इजंट इट। देखिए नॉर्मली इसको करवाना इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है, जिससे इस बॉन्ड का क्लीवेज आसान नहीं है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो ये आसान नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए हमें मेटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और मेटल के सरफेस पर छोटे छोटे पोरस होते हैं, और उन पोरस में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो जाती है, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे काम करता है। तो हाइड्रोजन गैस इन पे एड्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अब इस मेटल प्लेट से जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को गो थ्रू करवाते हो, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना रिडक्शन करवा लेता है। तो ऐसे करके ये बनता है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहां पर पैलेडियम इस्तेमाल किया और BaSO4 नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम लिखा, तो यहां पर पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा, यहां पर कंप्लीट रिडक्शन होगा। सबसे पहले रिडक्शन में क्या बनेगा, नाउ लुक एट एल्डिहाइड, इजंट इट, H हटा, Cl हटा, और उसकी जगह किसने ले ली, H ने, और फिर से इसका रिडक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर पैलेडियम और हाइड्रोजन फिर से लिख देता हूँ क्योंकि एक्सेस में है, और उसके बाद यहाँ होगा क्या, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फिर से, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल जाएगा, और एट दी एंड आपको क्या मिलने वाला है, नाउ लुक एट इट, CrCH2, एक हाइड्रोजन जो है हमने किसको दे दिया, कार्बन को, और साथ में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया। तो आप एल्कोहल तक पहुंच जाओगे, ठीक है, यहाँ पर एट दी एंड आपको एल्कोहल मिलेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहां पर पैलेडियम के साथ BaSO4 भी लिख दिया, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम प्लस BaSO4 लिखा, तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एल्डिहाइड मिलेगा, यहां पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा गाइज, यहां पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि BaSO4 यहां पर एज अ पॉइजन काम करता है, ठीक है, ये पॉइजन के जैसा काम करता है। और इसकी वजह से होता क्या है, यहां पर ये जितने पोरसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से कुछ पोरसेस को कौन कवर कर लेता है, यहां पर कुछ पोरसेस को BaSO4 कवर कर लेता है, तो पॉइजन की तरह तो काम कर ही रहा है। एक्चुअल में पोरसेस में हाइड्रोजन अब क्या होगा, एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो थोड़े से ही पोरसेस बचे जिसमें हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होगा, तो यहां पर आपको कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, आगे हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यही इफेक्ट होता है BaSO4 का, जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर सिर्फ पैलेडियम लिखा है तो आप कहां पर जाके रुकोगे, आप सीधे अल्कोहल पर जाके रुकोगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लुक एट इट, आप सीधे यहां से अल्कोहल पर जाके रुकोगे, लेकिन अगर आप यहां पर BaSO4 को ले लेते हैं तो यहां पर अल्कोहल तक आप नहीं जा पाओगे और सिर्फ क्या बना पाओगे, एल्डिहाइड। और एक्चुअल में यही प्रोसेस जो आपको मैं बार बार दिखा रहा हूं, यही प्रोसेस जिसमें आप RCOCl, इजंट इट, और उससे आप सीधे सीधे यहां पर सिर्फ एल्डिहाइड ही बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रोजनमुंड कहते हैं। और रोजनमुंड के केस में आपको पैलेडियम के साथ BaSO4 को इस्तेमाल करना पड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज वो रोजनमुंड रिएक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर हाइड्रोजन भी साथ में लिखना है, तो इन दोनों के साथ ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है यही है रोजनमुंड रिएक्शन। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। नाउ लुक एट इट, सपोज आपको यहां पर दे दिया है, ये देखिए ये वाला रिएजेंट दे दिया, सपोज बेंजीन पर ये वाला ग्रुप लगा दिया, इजंट इट, ये नाउ लुक एट इट, आप ये देखिए, ये हमने यहां पर COCl अब इस बार बेंजीन पे रिप्लेस किया हाइड्रोजन के साथ। और अगर आप ये आपसे यहां पर पूछा जाए कि यहां पर हमने पैलेडियम लिया है प्लस हाइड्रोजन लिया है, और नीचे अगर मैं यहां पर BaSO4 लगा रहा हूं, तो सवाल ये पूछा कि यहां पर क्या बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज, यहां से आप Cl को हटा दीजिए, उसकी जगह क्या लिखना है आपको, तो ये बन गया आपके पास बेंजीन ग्रुप में, अब COCl था पहले और अब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और Cl की जगह अब क्या लगा दिया आपने, H, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया गाइस। बस
इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड से आगे प्रोसीड करना है तो आपको BSO4 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास एल्कोहल बन जाएगा, फिनोल पे CH2OH ग्रुप लग जाएगा। वो सिंपली ये काम करना है, मतलब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पर अगर आपके पास पैलेडियम और सिर्फ H2 लिखा होता और BSO4 नहीं लिखा होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप एट दी एंड कहां तक पहुंचेंगे, बेंजल्डिहाइड से भी आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन CH2 को देंगे और साथ में OH, ये कंपाउंड बनेगा। बस इसका आपको ध्यान रखना है, बस इसी को हम लोग बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल नेम इज मेड इजी केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।